कॉल आया था, कॉल पे कुछ धमकी की बातें आपने बताई है, तो आज क्या जानकारी देंगे उस पर, क्या है? 12 तारीख को रात को 9:45 के वक्त मुझे महेश शहीर साहब का फोन आया। मुझे कहा तू जितेंद्र रावत का भड़वा है, तू रिदा रशीद का वीडियो सब तू ही वायरल करता है। बोले तेरे को, तेरे जितेंद्र रावत को सबसे पहले तेरे सांप को ठोकूंगा, उसके बाद तेरे को ठोकूंगा। किसने ये बात बोला? महेश है साया जो मेरे रात को 9:45 का। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया गया था, मैंने कोई इसको जमा, मेरे को व्हाट्सएप पे तो कॉल रिकॉर्ड होता नहीं, और मैंने उस वक्त का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। पहले 2 मिस कॉल आया गया था, मैंने फिर वापस फोन लगाया तो 2 मिनट मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने डायरेक्ट धमकी दिया तेरे सांप को ठोकूंगा, उसके बाद तेरे को ठोकूंगा। यानी कि जो वीडियो ऑडियो की वायरल हो रहा है वो आपका नहीं है, किसी और का। और जो मुझे एक्चुअल 12 तारीख को जो धमकी दी गई थी, जिसका ट्वीट हुआ था, वो मुझे धमकी दी। फिर धमकी की वजह क्या थी? धमकी की वजह वो रिदा रशीद का वीडियो जो वायरल हो रहा है उसे, उसकी वजह से। तो रिदा रशीद और महेश आयरे का क्या संबंध है? आप लोग इंक्वायरी कर लो सर, आप लोगों को पता होगा। क्या धमकी दी गई थी आपको? मैं जान से मार दूंगा बोले जितेंद्र रावत को, उसके बाद तेरे को ठोकूंगा। तो इसकी आपने कोई कंप्लेन किया इस बारे में? मैं आज दाखिल करूं। नहीं, उस दिन क्यों नहीं किया, आज ये बात क्यों बता रहे हैं? था मैं बैंगलोर में था, मैं आने को मुझे टाइम लगा और मैं कल रात को इधर वापस आया हूं। लेकिन एक सहायक कैसे, मतलब सहायक की क्यों धमकी दे रहे हैं? शाहरुख भाई, शाहरुख भाई, आपको धमकी बैंगलोर में थे आपको जब हुई, तो आपको वही इसकी कंप्लेन करानी चाहिए। नहीं भाई, मुझे उस वक्त समझा नहीं, मैं उस वक्त बार उस टाइम पे कि मैं किसी को बताया भी नहीं कि मैं कुछ ये क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आया। एक्चुअली ऐसा ही युक्त है, इतना बड़ा आदमी मेरे को ये सब फोन करके धमकी नहीं दे सकता, तो मैं उस टाइम में किसी को बोला नहीं। फिर मुझे खला, फिर मैंने कुछ दूसरे दिन साहब को बताया, बोला साहब तुम्हारी जान को खतरा है, तुम प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहना, अगर कुछ हो गया तो अपने को अफसोस होगा। इसलिए मेरा काम था साहब को अलर्ट करना, उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा मुझे बहुत इज्जत मिलती है, उनके घर में बीवी बच्चे सबको मुझको बहुत इज्जत देता, तो मैं उनके लिए नहीं करूँगा तो किन के लिए करूँगा? तुमको भी बोला था कि ठोंक देंगे? हाँ जी, उसके बाद बोले तेरे को ठोकूंगा। लेकिन अच्छा, अगर पहले ही आप बोल देते तो दूसरी धमकी देने की नौबत नहीं आती। हो गया थोड़ा लेट, लेकिन आए आपको 2 बार धमकियां मिली है, किस तरह की मिली है? मुझको एक ही बार धमकी मिली, मुझको 2 बार, एक ही बार मिली। जो कुछ एक बाइट में रुता मैडम ने जो जिक्र किया था, हमारे मुमरा के कार्यकर्ता है, वो आप ही का जिक्र करते हुए उन्होंने किया है, उसी के बाद आवाज साहब ने वो ट्वीट पे डाला है कि उनको जैसा मामला होने वाला है। धमकी में क्या बोला गया था वो बता दीजिए। पहले तुम्हारे सांप को ठोकूंगा, उसके बाद आपको ठोकूंगा। परिवार के बारे में भी जिक्र किया गया था क्या? उनसे ये बात की गई थी। फिर वो जो दूसरा वॉइस रिकॉर्डिंग आपने सुना, उसमें परिवार, उनकी बेटी, सबका बोला गया। कितने बजे कॉल आया था आपको? 10 बजे का, पौने 10 ये रात में 9:30 का 2 मिस कॉल।